देखिए, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक आईपीसी इंडियन पीनल कोड और दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब इंडिया के अंदर कोई क्राइम होता है, मान लो मर्डर हुआ है, तो आईपीसी कहता है कि 302 लगेगा। चीटिंग हुई है तो आईपीसी कहता है कि इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 420 लगेगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड है तो 309 लगेगा। तो बेसिकली आईपीसी डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर क्राइम को। अब अगर कोई डंडा घुमा रहा है तो वो तो क्राइम नहीं है, लेकिन अगर उस डंडा घुमाने से किसी का सर फूट रहा है तो वो क्राइम है। तो आईपीसी बेसिकली हमें बताता है कि क्या क्राइम है और क्या नहीं है। अभी आईपीसी तो ठीक है, लेकिन ये सीआरपीसी क्या होता है? मान लीजिए कोई मर्डर हो गया है, तो आईपीसी ने तो बता दिया कि आईपीसी सेक्शन 302 लगेगी इस पे, लेकिन अब इसकी जांच करेगा कौन? अब पुलिस खुद जाके डिसाइड नहीं करेगी कि आज तुम चले जाओ मर्डर की जांच करने। ये चीज हमें सीआरपीसी बताता है। सीआरपीसी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर केस की जांच किस रैंक का ऑफिसर करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे।